केपी गोटिस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगर आप योनो भीम यूपीआई जो है अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि किस तरीके से योनो भीम यूपीआई अकाउंट को डिलीट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं। SBI ओपन करेंगे तो आपको जो है एम पिन से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे आ जाएंगे आप योनो SBI के होम स्क्रीन पे। तो आपको योनो भीम UPI अकाउंट जो है डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योनो पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहां पे देखिए भीम UPI पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलेगा मैनेज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है UPI ID है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नीचे में एड बैंक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, व्यू ऑल UPI ID, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों ऑल UPI ID, तो यहाँ पे देखिए आपका प्राइमरी में जो है UPI ID तो ये आपका है यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद अगर आपको इस भीम UPI अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये देखिए नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलेगा डी रजिस्टर, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कन्फर्म आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुल डी रजिस्टर्ड योर UPI प्रोफाइल। तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम फिर से जाएँगे भीम UPI पे तो मेरा अकाउंट नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम बैक जाते हैं। तो बैक जाने के बाद फिर से हम क्लिक करेंगे भीम UPI पर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं भीम UPI पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले जो आ गया था ये आपका भीम UPI का होम पेज। तो यहाँ पे आप अब आ रहा है क्रिएट UPI प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल जो है डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने भीम योनो भीम UPI को डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।